आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कनाडा का रावण। तो जी हाँ, आज है दशहरा। जय श्री राम। हैप्पी दशहरा। जय श्री राम। मैं अंदर का तो आपने देख लिया, अब ये बाहर का भी थोड़ा सा सीन देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कनाडा का रावण। तो जी हाँ, आज है दशहरा। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आई हूँ इस वक्त ब्रैम्पटन के एक मंदिर में जिसका नाम है हिंदू सभा, और आज यहाँ पे रावण को जलाया जा रहा है गाइस। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो थोड़े दिन पहले मैं मंदिर आई थी, तो मैंने देखा यहाँ पे रावण बन रहा था। तो मैंने जब पढ़ा तो पता चला कि आज के दिन उसे जलाया जाएगा दशहरे वाले के दिन। तो ये प्रोग्राम 3-4 घंटे का है। तो राइट में आप देख सकते हैं वहाँ पे हो रही है रामलीला, उसके बाद कुछ टी एंड स्नैक्स वगैरह, और उसके बाद करा जाएगा रावण का दहन। तो मैं आपको सारा दिखाती हूँ, सारी डेकोरेशन, पार्किंग बहुत ज्यादा फुल है गाइस इस वक्त, आप देख सकते हो। देखो हर तरह की बुक्स मिल रही है भगवत गीता के, जो अलग अलग राइटिंग्स में अवेलेबल है, संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी में। ये रख, यू वांट टू बाय, हाउ मच फॉर दिस वन? व्हिच बुक यू वांट? दिस वन $10, एंड दिस वन $10. ओह, एवरीथिंग इज $10? नो नो, द स्मॉल बुक्स आर डिफरेंट, बिग बुक्स आर डिफरेंट। ओके, स्मॉल वंस, हाउ मच फॉर स्मॉल वन? 2-4-5. जैसे इंडिया में धक्के नहीं लगते जब आप चलते हो किसी ऐसी जगह पे, तो जी सेम यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। बुक्कों में निकल रहा है, आप देखो कुछ लाइन कितनी लंबी लगी हुई है यहाँ पे। तो गाइस ये देखो, ये चीज़ बड़ी वंडरफुल लग रही है। इन्होंने लाइटिंग कितनी प्यारी लगी हुई है यहाँ पे, सारा मंदिर को बहुत ही अच्छे से इन्होंने डेकोरेट करा हुआ है। तो ये है मंदिर, और इस साइड पे ये यहाँ पे बन रही है हनुमान जी की मूर्ति, जो कि है 55 फुट। तो ये है ब्रैम्पटन का हिंदू सभा मंदिर। तो आप देख सकते हो ये कितनी अमेजिंग लग रही है। तो गाइस ये मंदिर मेरे लिए वैसे भी थोड़ा स्पेशल है। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो और आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी, तो आपने देखा होगा जो मेरी सेकंड वीडियो थी, जहाँ पे फर्स्ट डे था मेरे मामा का, तो मैं उनको हिंदू सभा मंदिर ही लेकर आई थी। तो ये मंदिर वैसे मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है उन चीज़ों के कारण भी। तो आप देख सकते हो अब ड्रास्टिक चेंज, जब हम उस टाइम पर आए थे, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखोगे तो ये मंदिर के सामने, ये तब हनुमान जी की मूर्ति नहीं थी, बस लिखा हुआ था कि 55 फुट हनुमान जी की प्रतिमा बनाने लगे हैं, बट अब वो अंडर कंस्ट्रक्शन और बहुत जल्द कम्प्लीट हो जाएगी। मैं आपका आभारी हूँ अपने जीवन के। तो भाई यहाँ से मुझे रावण दिखना शुरू हो गया। अगर ज्यादा घंटा लाइन में लगने के बाद मुझे मिली है फाइनली ये चाय। तो पता नहीं आप लोगों को बिलीव हो रहा है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इसको कनाडा में। अब रश देखो, ऐसे लोगों के बीच में घुस घुस के तो मुझे ये चाय मिली है, खाने के लिए तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से रश है मुझे लग रहा है सारा ब्रैम्पटन इधर आया हुआ है। अभी मैं आपको बाहर जाके पार्किंग भी दिखाऊंगी, कोई 10 गाड़ियां तो पुलिस वालों की खड़ी हुई है जिन्होंने पूरे इंटरसेक्शन को ब्लॉक करा हुआ है। सो इट्स गोइंग क्रेजी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए, मैंने खुद भी कभी यहाँ पे रावण ऐसे नहीं देखा चलते। तो सबको ऐसा लग रहा है कि बड़ी एक डिफरेंट सी यूनिक सी चीज हो रही है, तो सब बड़े एक्साइटेड है। तो आप रश से देख ही सकते हो आसपास मेरे। थोड़ी देर में रावण जलने वाला है, क्योंकि सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, अंधेरा होना भी शुरू हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा है इतनी देर में श्री राम रावण के पास पहुंच गए थे, जिससे ज्यादा टाइम मुझे लग रहा है उसके पास पहुंचने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा रश है राइट ना। तीनों लोगों के अनमोल वस्त्रों, यहाँ पे कम से कम 1000-2000 बंदे की सेटिंग तो करवाई हुई है इन्होंने, सब सारे चरणों में लाके रख दूंगा। जय श्री राम। सीता, आप जैसे पराक्रमी को एक सीकर प्रहार करना शोभा नहीं देता। एक घंटा मिल लगता पूरा ब्रैम्पटन है फोन से। और इतना इतना तो इंडिया की, हां इतना इंडिया की रश नहीं होगा। मैं तुम्हें 2 माह की अवधि देता हूं, जा तुम मेरे साथ। रावण ने अपने बड़े बेटे मेघनाथ को भेजा, जिन्हें इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। रुक रुक दुष्ट वानर रुक, वरना तुझे अभी तेरे काल से मिलवा दूंगा। बस रामलीला में ना जो अभी उनकी स्टोरी है वो पहुंची थी, जब शबरी बेर ले रही थी श्री राम को, दे रही थी सॉरी, तो मुझे उससे आइडिया हो गया था। इनको तो भी बहुत टाइम लगेगा था, इसलिए पहले मैं पहले जाऊंगी अंदर मंदिर के, तब तक माथा टेका था, क्योंकि बाहर वैसे भी बहुत ज्यादा रश हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर अंदर से कैसा है। तो
तो ये था वो पोस्टर जहाँ से मुझे पता लगा था कि आज दशहरा का मेला, तो इन्होंने यहाँ पे रामलीला, रावण दहन, फायर वर्क्स भी होएगा, स्नैक्स हैं और उसके बाद प्रतिभोज। वैसे कुछ इतना रश बाहर था उतना ही रश अंदर भी है, पूरे साड़ी और सूट वगैरह डालकर आए हैं। ये है दरबार मंदिर का जो कि बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, काफ़ी लोग आए हैं। देखो यहाँ पे ना मुझे एक डाउट हो रहा है, सनसेट तो देखो हो चुका है यहाँ पे, अभी पूरा अंधेरा हो चुका है, अभी मैं लाइट्स के सामने खड़ी हूँ तो मेरी वीडियो कैप्चर हो पा रही है थोड़ी। तो जो रावण को रावण दहन हुआ था वो तो सनसेट से पहले नहीं होता इंडिया में जहाँ तक मुझे याद है। तो ये देखो ये होते सच्चे फ्रेंड जो मेरे लिए लेकर आए हैं कड़ी चावल, चाहे अगले वीडियो में नहीं आ रहे कड़ी चावल उनके वीडियो में आ चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो आदि पुरुष मूवी थी ना उससे बेटर तो ये रामलीला है, इसमें ज्यादा मुझे सीखने को मिल रहा है जो उस मूवी में था, अभी भी उनको यहाँ से इंस्पिरेशन थोड़ी सी ले लेनी चाहिए थी। गाइस रावण हो गया रेडी लड़ने के लिए, तो जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस अभी मैं किसी तरह से दो बातें आ गई हूँ बैक स्टेज पे, यहाँ पे ना अलाउड भी नहीं, मैं सही बताऊँ तो मैंने खड़े हैं बट मैं आ गई हूँ, लग रहा है कि शायद मैं कोई रिपोर्टर हूँ। जो आप देख सकते हो साइड पे रावण जी बिल्कुल रेडी हैं, जय श्री राम के नारे लगते हुए हर तरफ से। Extraordinary celebrations that happen here at the Hindu Sabha. So I hope your families had a great time and thank you so much for being here on such a for such a special evening. And I'll pass the microphone back to Madalema. तो बस ये थे ब्रैम्पटन के मेयर मिस्टर पैट्रिक ब्राउन जो आ जाए हुए दशहरे के मेले में। सर एक फन फैक्ट बताऊँ तो मेरे हाथ में माइक और सेल्फी स्टिक देख के इन सिक्योरिटी वालों को लग रहा है कि मैं तेलुगु रिपोर्टर हूँ या मैं पता नहीं कौन हूँ। तो मैं अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया में इस वक्त खड़ी हुई हूँ जहाँ से मुझे मुझे कोई भी नहीं रोक रहा, उनको लग रहा है कि शायद मैं कोई मीडिया से आई हूँ, पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है मुझे देख के सेल्फी स्टिक मेरे हाथ में माइक देख के। Can you say Jai Shri Ram? Happy Krishna! Jai Shri Ram! आपने देख लिया, अब ये बाहर का भी थोड़ा सा सीन देखो, देखो पुलिस की गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जो मेन रोड है वो सारी ब्लॉक है। जैसे ओके गाइस, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी में वापस आ चुकी हूँ, यहाँ से हम अपने घर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस था गाइस बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल था, और जो भी मेरे साथ हुआ मैंने मेन एक चीज़ सीखी आज कि अगर आपके पास सेल्फी स्टिक और आपने एक माइक लगाया हुआ तो आप कहीं भी घुस सकते हो और आपको कोई कुछ नहीं बोलता। तो लिटरली यही मेरे साथ हुआ, जब मैं स्टेज पर भी गई तो मिस्टर पैट्रिक ब्राउन के साथ भी शायद जय श्री राम उनको बोलना नहीं आया बट उन्होंने हैप्पी दशहरा विश कर दिया। तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था गाइज, आपको भी शायद बिलीव नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा कि मैंने कनाडा में रह के ऐसे रावण का दहन होते देखा है, जो भी बहुत ही एक यूनिक सा एक्सपीरियंस था। पिछले 4 सालों में मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी थी, हमने सुना था कि इस साल ये लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं,
तो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस था। होप आप लोगों को भी ये काफी अच्छा लगा होगा, अभी भी मेरे कानों में जय श्री राम के नारे ही गूंज रहे गाइस। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। तो गाइस वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, लोगों को दिखाएं कनाडा में रावण जलता हुआ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।